सो हेलो फ्रेंड्स, सुबह का ब्रेकफास्ट हो या रात का डिनर, अगर ऐसा कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। कभी कभार घर के रखे सामानों से हम इतना टेस्टी नाश्ता बना लेते हैं कि हमें ही नहीं समझ में आता। तो आज मैं आप सभी के लिए ऐसी ही एक रेसिपी लाई हूँ जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट से देख लेते हैं ये नाश्ता बनाने की रेसिपी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का मेरे चैनल विद स्पॉट किचन में फिर से एक बार स्वागत है। तो ये हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक कच्चा आलू लिए है जिसको हमने बारीकी से घीस के साफ कर लिया है। फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, यहाँ मैंने एक प्याज यूज़ किया है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे गाजर, गाजर को हमने घस लिया है। फिर यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, अगर आप चाहो तो आप और भी वेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्ची, और फिर यहाँ पे डाल देंगे हम टेस्ट के लिए धनिया, धनिया जितना हो सके उतना डालें। फिर हम यहाँ पे डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, नॉर्मल जो हम गेहूं का आटा डाल लेते हैं वही आटा डाल देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे उसी कप से आधा कप बेसन, आप चाहो तो पूरा इसे गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन बेसन से ये और टेस्टी बन जाएगा और ये हेल्दी भी बन जाएगा। फिर हम सारे चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि सारे जो भी आलू सब्जी है सब मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, हम यहाँ पे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। कंटिन्यू हम इसे मिक्स करेंगे एक चम्मच की मदद से, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके और पानी ऐड करेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच पाए। अब आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम परफेक्ट हो गया है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, तो हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, फिर यहाँ डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, फिर 1 चम्मच डालेंगे हम जीरा, और फिर यहाँ पे डालेंगे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी, और यहाँ पे एकदम थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, और सारे चीज़ों को हम पहले 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। सारे मसालों को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम बैटर में मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पर भी बचे ना रहे, इसलिए हम इसे कंटिन्यू मिलाएंगे। ये खाना बनाने में बहुत आसान है, अगर आप चाहो तो इसे डिनर में बना सकते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्विक रेसिपी है एकदम, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये खाने में एकदम ही हेल्दी है, आप इसे बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ये आप डिनर में, टिफ़िन में, शाम को कभी भी खा सकते हैं जब आपका मन करे। तो इसे एक बार बनाइए और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अब आप देख सकते हैं हमें इतना ही कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ये है पैनकेक का पैन, इसमें हम डालेंगे छोटे छोटे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच बैटर डाला, और उसमें हम 1 चम्मच की मदद से इसे फैला देंगे अच्छे से, ताकि ये हर जगह से एकदम प्लेन हो जाए। 1 चम्मच की मदद से हम इसे सारे जगह फैला देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक, इसे पलटेंगे नहीं। जब ये 1 साइड ऊपर से कुक हो जाएगा, आपको दिखेगा, तो इसे हम पलट देंगे, और इसे भी हम दूसरे साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक करना है, फिर से हम इसे पलटेंगे। हमें इसे पलट पलट के अच्छे से पका लेना है दोनों साइड से, और इसे एक स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि जो बैटर है ये अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो गया है, इसे भी हम पलट देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ऊपर से भी पक गया है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाला था ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। तो अब हमारा ये जो नाश्ता है रेडी हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे एक स्पैचुला की मदद से, और फिर से हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसमें हम बैटर डाल देंगे 1 चम्मच, और वापस इसे हम एक स्पून की मदद से अच्छे से फैला देंगे। इसी तरह हमें सारे नाश्ता को रेडी कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये वाला भी नाश्ता रेडी हो गया है, कितना खाने में टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 कप आटा और बेसन से हमने इतना डिलीशियस नाश्ता बना के रेडी कर लिया है। ये खाने में एकदम ही टेस्टी है, अगर आप एक खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, आपका मन भी भर जाएगा।
आप देख सकते हैं ये कितना हेल्दी है दिखने में भी और खाने में भी। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितना सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।